बीते दिनों कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को कतर की अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। इस फैसले के बाद से भारत में तरह तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस मुद्दे पर पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए स्थिति साफ की। इसके बाद आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर में मौत की सजा पाए पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों के परिवारों से मुलाकात की। इस मुलाकात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों के परिवारों से आज सुबह मुलाकात की। इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार मामले को सर्वोच्च महत्व देती है, परिवारों के चिंताओं और दर्द को पूरी तरह से साझा करती है। सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास जारी रखेगी। इस संबंध में सरकार परिवारों के साथ निकटता से समन्वय बनाएगी। इसी के साथ भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने भी इस गंभीर विषय पर प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट हियरिंग इट वाज सपोज्ड टू हैव बीन ट्रांसक्राइब्ड एंड प्रोवाइडेड ऑन संडे, मंडे वी गेट बैक वी विल हैव अ लुक एट इट, बट यू हैव हर्ड दी एमईए स्टेटमेंट ऑन दिस। एवरी एफर्ट इज बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट यू नो वी Take up through the legal course and find relief for our personnel. आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के ये 8 अधिकारी अक्टूबर 2022 से कतर की जेल में कैद हैं। कतर की प्रथम दृष्टया अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के बाद कतर की शीर्ष अदालत से फैसला आना अभी बाकी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।